हे रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। आज की जो मेरी वीडियो है वो रिलेटेड है सीरम से। सीरम क्यों हमारे लाइफ में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को वो लगाना चाहिए, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी, जैसे जो लोग टीन एज होते हैं उनको पिंपल्स की प्रॉब्लम्स बहुत होती है। वैसे तो हर वुमेन्स हो या गर्ल्स हो, सबको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन टीन एज वाली जो लड़कियां होती हैं उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है। सीरम तो सीरम मिलता है, जैसे मैंने यूज़ किया है डर्मा डॉग का एक्ने फेस सीरम, ये मैंने यूज़ किया है पूरा, जिसके वजह से मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा मतलब चले गए हैं, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ये सीरम कोई भी यूज़ कर सकता है, ये टीनेज भी यूज़ कर सकते हैं या कोई भी यूज़ कर सकता है जिसकी मतलब बहुत सारे एक्ने, उनको प्रॉब्लम है एक्ने के। तो ये है डर्मा डॉग का, एंड दूसरा है सीरम एनवाई बे का, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये भी जैसे जिन लोगों को पिंपल्स है और वो मेकअप करते हैं उसके पहले ये अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, प्लस वो पिंपल्स पे अगर कोई हम मेकअप अप्लाई करते हो तो ज़्यादा पिंपल्स और फैल जाते हैं, तो वो उसको इससे प्रोटेक्ट करता है ये सीरम। तो मैं ये तब यूज़ करती हूँ जब मुझे अच्छा ग्लो चाहिए होता है और जैसे मुझे पिंपल्स है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है पर अब है, पिंपल्स ज़्यादा हाई मेकअप कर रही हूँ तो मैं ये यूज़ ज़रूर करती हूँ। और ये बहुत अच्छा है गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। और एंटी एजिंग के लिए मैंने लिया हुआ है, ये मैंने लिया हुआ है मेरे हस्बैंड के लिए, ये आप यूज़ कर सकते हो आफ्टर 30। मैं भी 30 प्लस ही हूँ तो, पर मुझे फ़िलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। तो इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये आफ्टर 30 जो होते हैं उनको यूज़ ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली वुमेंस जो अपना ख्याल नहीं रखती है, वो मतलब काम में घर के काम हो या चाहे बाहर का काम हो, वो इतनी बिजी होती है कि उनको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए गाइस, और नाइट में आप ये सीरम ज़रूर यूज़ करिए। इसे सिर्फ वन टाइम अप्लाई करना है होल डे में, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा आपको। एंड सेम जिनको आपके पास जैसे झुर्रिया होती है, पफिनेस होता है, आफ्टर 30 की मैं बात करूँगी, तो ये है अंडर आई मॉइस्चराइज़र है, तो ये भी बहुत अच्छा सीरम है। ये भी डर्मा डॉग का है, एंटी एजिंग भी डर्मा डॉग का है, ये मैंने पूरा यूज़ किया है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये 30 ml है कुछ अराउंड, इसमें तो लिखा हुआ है, इसमें प्राइस एक्चुअली मेंशन नहीं है। वैसे इसका प्राइस मैंने पर्पल से बाय किया हुआ है ऑनलाइन, तो ये मुझे पड़ा था 165-185 में, तो मतलब 200 के रेंज के अंदर ही है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। पहले मैं भी सीरम यूज़ नहीं करती थी, लेकिन जब से मैंने यूज़ करना चालू किया है तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके दिखाई दे रहे हैं मेरे फेस पे। मुझे बीच में बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे, लेकिन मैंने यूज़ करने के बाद, वो सीरम यूज़ करने के बाद काफ़ी बेनिफिट हुआ है कि मेरी स्किन पे पिंपल्स थोड़े कम होने लगे, काफ़ी हद तक कम हो गए हैं। एंड अभी रिसेंटली मैंने एक मंगाया है, इसको मैंने फर्स्ट यूज़ ही किया है, ये है गुड वाइब्स का और ये है विटामिन सी एंड B3। ये सीरम मैंने मंगाया है, जैसे मुझे अगर आप अभी मैंने मेकअप किया हुआ है, यहाँ मुझे मिनी पोर्स है तो वो बहुत बीच में नज़र आ रहे थे, तो मैंने अभी इसे वन टाइम ही यूज़ किया है तो उससे ही काफ़ी मुझे बेनिफिट हुआ है। इसके साथ मैं बायोटिक का टोनर भी यूज़ कर रही हूँ जो पोर मिनिमाइज़ करता है, तो ये दोनों मैं कर रही हूँ यूज़। तो लेट्स सी इसका क्या रिजल्ट होता है, इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊँगी, उसमें बताऊँगी कि ये कितना बेनिफिट रहा इसका, गुड वाइब्स का सीरम। तो सीरम मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ गाइस, सीरम हर किसी को यूज़ करना चाहिए क्योंकि सीरम से हमारी स्किन बहुत अच्छी होती है। और सिर्फ यही सीरम नहीं है, काफ़ी सीरम्स अवेलेबल है, गुड वाइब्स के हो चाहे डर्मा डॉग के हो, जो आपकी जो भी आपके फेस पे रिक्वायरमेंट होगी आपको, कि आपको कुछ हाइड्रेशन का प्रॉब्लम है या एंटी पोल्यूशन का प्रॉब्लम है या फिर डार्क सर्कल्स है, उस हिसाब से आप अपना सीरम परचेस कीजिए और एक बार ट्राई करके आप देखिए गाइस, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे ये सीरम्स। तो दैट्स इट, मेरा बस सीरम के बारे में यही कहना था कि हर किसी को सीरम यूज़ करना चाहिए, और थोड़ा स्पेशली वुमेन्स जो बहुत घर में काम करती है, बिजी रहती है, जो अपना ख्याल नहीं रखती है, तो प्लीज़
अपने लिए टाइम निकालिए। मुझे पता है जैसे मेरे भी दो बच्चे हैं और मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए, तो मैं भी निकालती हूँ, आप लोग भी निकालिए और अपनी स्किन का ख्याल रखिए। अगर आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखोगे तो आप जल्दी बूढ़ा फील करोगे, ऐसा लगेगा आप बहुत बूढ़े हो गए हो। ऐसे कभी कभी फील होता है मुझे, जब मैं अपनी स्किन वगैरह का ख्याल नहीं रखती हूँ, ऐसा लगता है यार मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, मेरी एज होती जा रही है। आप जितना अपने आप का ख्याल रखोगे तो आप उतने ज़्यादा अच्छे प्रिटी लगोगे और आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करोगे। तो बस मेरी वीडियो इस बारे में ही थी। सीरम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट गाइज, और वो मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिनके भी हस्बैंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं, बहुत पोल्यूशन से जाते आते हैं और वो भी अपना ख्याल नहीं रखते क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है घर को लेकर। तो प्लीज़ आप उनका ख्याल रखिए, आप ऑलरेडी रखते ही हो लेकिन आप उनके लिए भी एक सीरम परचेज करिए और उनके फेस पे भी अप्लाई करिए, उनको भी कहिए कि वो अप्लाई करें ताकि वो भी ज़्यादा गुड लुकिंग लगे आपके साथ। तो बस मेरी ये वीडियो इसीलिए थी गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी गाइस ज़रूर बताइए, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।